अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवसेवा अटल सेतु, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री इनके शुभ हाथों से 12 तारीख को, 12 जनवरी को होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है, इसे सारे एक्सपर्ट्स जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुन्द्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक्स जो कि बड़े स्पैन देने में मदद करती है, जैसे कि रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स जिससे कोई आवाज जो है वो कम होता है और साथ ही में वाइब्रेशंस कम होती है जिससे मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, फ्लोरा फौना इसको मिनिमम डैमेज होता है, जैसे साइलेंसर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट, जैसे काम करते वक्त साउंड बैरियर का इस्तेमाल करना, जैसे एकदम अत्याधुनिक डेबरी कलेक्शन सिस्टम जिससे डेबरी जो है वो न गिरे, बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस जिससे अधिक से अधिक सेफ्टी के पे ध्यान दिया जाए और जीवित हानि जो है वो मिनिमाइज किया जाए, एकदम कम किया जाए, इस प्रकार के काम की गई है। इस ब्रिज का अगर हम देखें तो इसमें जो रीइन्फोर्स स्टील जो यूज किया गया है वो आईफिल टावर के 17 टाइम्स है, मतलब आप कितना स्टील यूज हुआ ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टील यूज की गई है दैट इज 4 टाइम्स द हावड़ा ब्रिज। इसमें जो कॉन्क्रीट यूज किया गया है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 6 पट किसे ज्यादा इसमें यूज की गई है। इसमें जो वायरिंग है वो वायरिंग को अगर आपने पूरे डायमीटर में लिया तो वो 2 पट होता है। इसमें जो ट्रक्स आई है सामान लेकर, तो ये ट्रक को अगर लाइन में खड़ा कर दे तो ऐसा कहा जाता है कि ये यानी धरती से चंद्रमा तक के वो लाइन लग जाएगी। इस प्रकार से कई सारे इसके विशेषताएं हैं, बट अल्टीमेटली इसकी जो कुछ और खासियत है, जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक वेरी एकम्प्लिश्ड एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से काम करने वाला है, तो उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन में एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया हुआ है। उसी प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर्स है जो कि एक और बहुत एकम्प्लिश्ड और नामवंत इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसको पुरस्कार दिया हुआ है। इस प्रकार से एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से जो लाइट्स है इसमें, ये लाइट्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक एनवायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। इस प्रकार से इसमें जो है कई सारे टेक्नोलॉजिकल खासियतें जो है जोड़ी गई है और ये मुंबई आइलैंड सिटी को नवी मुंबई का जो मेनलैंड है उसके साथ जोड़ता है। तो हाँ, ये एक ऐतिहासिक ब्रिज बनने वाला बना है और ये ब्रिज जो है टेक्नोलॉजिकल मार्वल भी है।